चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। बढ़ेंगे यहां से अपनी अगली खबर की तरफ, जो निकल के सामने आ रही है प्याज की, यानी ऑनियन की। तो प्याज के रेट को लेकर मचे हाहाकार के बीच नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि नाफेड ने महाराष्ट्र से प्याज खरीदने के लिए नए रेट तय कर दिए हैं। अलग अलग जिलों में किसानों को 927.92 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,181 रुपये तक का दाम मिलेगा। इतने कम रेट की वजह से नाफेड और सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों में काफ़ी नाराजगी है। प्याज की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि जब इस वक्त 15 से 18 रुपये प्रति किलो तक उसकी उत्पादन लागत आ रही है, तो फिर किसान क्यों सिर्फ 10 से 12 रुपये किलो पर प्याज बेचे। नाफेड को प्याज का कम से कम 30 रुपये प्रति किलो दाम तय करना ही चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। वहीं इस पर महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि किसानों को अच्छा दाम नहीं मिला तो प्याज की खेती तबाह हो जाएगी, लोग दूसरी फसलों की ओर रुख कर जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को दूसरे देशों से काफ़ी महंगे दाम पर इसकी खरीद करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में देश का करीब करीब 40% प्याज पैदा होता है। यहाँ के लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। भारत दिघोले का कहना है कि नाफेड ने नासिक और धुले जिले के लिए 1,181 रुपये, अहमदनगर और बीड के लिए 1,014.67, उस्मानाबाद के लिए 941 रुपये, पुणे के लिए 927 और औरंगाबाद और हिंगोली जिले के लिए 891 रुपये प्रति क्विंटल का रेट प्याज के तय किए हैं। मतलब ये है कि नाफेड इन्हीं रेट पर किसानों से सबसे अच्छी क्वालिटी की प्याज खरीदेगा। भारत दिघोले का दावा है कि पिछले साल इससे अधिक रेट पर प्याज की सहकारी खरीद हुई थी। महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान इन दिनों दाम को लेकर बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। नाफेड जैसी बड़ी सहकारी संस्था अगर उत्पादन लागत से कम दाम पर प्याज खरीदने की इच्छा रखेगी तो किसानों की आय फिर डबल भला कैसे ही होगी। दूसरा, नाफेड कम दाम देगा तो फिर मंडी में व्यापारियों को किसानों से लूट करने का मौका और ज़्यादा मिलेगा। वो किसानों पर दबाव बनाएंगे ताकि उन्हें कम दाम पर प्याज मिले। इस समय वैसे भी महाराष्ट्र की अलग अलग मंडियों में 100 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल तक का ही प्याज किसान को दाम मिल पा रहा है। तो यानी कि जहां पर प्याज किसानों को उनकी फसल के दाम बढ़ने की उम्मीद थी, बढ़ने की बजाय वो दाम कम रेट पर ही तय कर दिए गए हैं, जिससे किसानों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी भी है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।